नमस्कार, मैं हूं विशन सिंह क्रांति और आप इस समय देख रहे हैं शुभ समय। सोशल मीडिया के क्षितिज पर भारत के पहले ऑनलाइन न्यूज चैनल शुभ समय में आप सभी का स्वागत है। आप हमें देख सकते हैं www.ssnews.in पर। मारवाड़ी सम्मेलन एडवोकेट सुशील व्यास जी विरोध है, साथ ही आज की उत्सव मूर्तियां श्री श्री नारायण तिवारी जी एवं हस्ती मल हस्ती जी से विनम्र अनुरोध है कि वे दीप प्रज्वलन हेतु प्रस्तुत हो। मां शारदा को नमन कर आशीर्वाद दें। मैं पहले
शरीर के डॉक्टर होता है मधुशाला, तो कई लोग सोचते मधुशाला में क्या करता है, उनका धर्म का प्रचार करने में नहीं, उन्होंने उसकी अनुभूति की थी। मधुशाला वो नहीं जहाँ पर दारू बेची जाती है, जिसको जिसमें मस्ती मिलती वह है उसकी मधुशाला, किसने मुझको प्यासा रखा बनी रहे वो विधाता, किसने जीवन भर दोहराया बना रहे वो विधाता, मतवालों की कृपा से है श्राप निकलते कभी हूँ, जिसने युक्ति बनाया मुझको सुखी रहे वो जज्बा है। अपनी पत्रकार जीवन की शुरुआत आपने 1988 में मुंबई के इंडियन एक्सप्रेस समूह के प्रमुख संवाददाता के रूप में की। आपने दैनिक जनसत्ता के प्रमुख संवाददाता की भूमिका जुलाई 2003 तक प्रखरता से। आपके दोनों बगल में दो अध्यक्ष बैठे हैं राजस्थानी समूह में मारवाड़ी समूह। आपने कहा कि राजस्थानी भाषा को 8वीं सूची में संविधान में जगह मिली थी, ये कहा ना? मैं राजस्थानी सम्मेलन और मारवाड़ी सम्मेलन की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो कुछ भी इसके लिए संघर्ष और लड़ाई होगी, ये राजस्थानी सम्मेलन और मारवाड़ी सम्मेलन संवैधानिक तौर पे इसको मान्यता दिलाने के लिए 8वीं सूची में जगह दिलाने करेगा। और इसी शब्दों के साथ अब आप जो कुछ राजस्थानी भाषा के लिए कहना चाहते हैं। काफी भाषाएं अलंकृत हो चुकी है पर राजस्थानी नहीं, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को अपन लिखे में राजस्थान की असेंबली को भी रिजोल्यूशन पास करना चाहिए ऐसा रिक्वेस्ट करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री जी को भी लिखेंगे कि जब दूसरी सब स्टेट्स की जो लोकल लैंग्वेज है उसका साहित्य है तो राजस्थानी के साथ में भी न्याय होना चाहिए, ऐसा मैं न्यायशास्त्र का विद्यार्थी होने के लिए ये निवेदन करता हूँ और आपकी सबकी सहमति चाह रहा हूँ, जिससे आप सबकी तरफ से ये लेटर्स लिखे जाएंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, स्पीकर ऑफ राजस्थान असेंबली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सबको। और अपने जो अभी पुरस्कृत है उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि राजस्थानी में जो लिटरेचर है उसके भी एक नोट बना के दे, तो जब मलयालम है, दूसरी भाषाएं है, उड़िया है, तो राजस्थानी में क्या कमी है उसको भी रिकग्नाइज करना चाहिए एक शेड्यूल के अंदर। तो मटेरियल आप दीजिए और उसको कॉन्स्टिट्यूशनली फ्राइट व्यास की करेंगे और लीगल ड्राफ्टिंग में करूँगा।